बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मात्राएं क्या होती है। अगर आपके पास आपसे कोई सवाल कर दे या आपकी परीक्षा में सवाल आ जाए कि मात्रा किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? अभी मैं बताता हूं, यह मात्रा की परिभाषा है। मात्रा हमेशा स्वरों की होती है, ध्यान रखना। तो स्वरों की होती है मात्राएं, और देखिए कौन कौन से होते, पहले हम जानते हैं इसकी परिभाषा। तो स्वरों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले उन संकेतों को मात्रा कहते हैं जिनका उच्चारण ठीक उस स्वर के समान होता है, ठीक है। स्वरों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह होते स्वरों के, वहां पर पूरा स्वर तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है, तो उनके लिए संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, ठीक है, जिसे वे घोषित करते हैं, इसको जिस स्वर को घोषित कर रहा हो, बता रहा हो कि इसमें ये वाला स्वर है, ठीक है। मात्रा से पता लग जाता है कि इस शब्द में स्वर कौन सा है, ठीक है भाई। लेकिन लेखन में संकेत चिन्हों का ही प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? यस सर। नहीं आई? यस सर। भाई जब हम लेखन का मतलब लिखते हैं, हिंदी हम लिखते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि यह इस शब्द में कौन सा स्वर आया है। कुछ बोलोगे? यस सर। हाँ, तो अब देखिए, स्वर तो आपको पता है, ये है कि नहीं, दो उधर भी है, तो जैसे है, आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ठीक है, यहां तक क्या होते हैं? स्वर है, ठीक है। अब इनकी मात्राएं क्या होती है? ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क्रॉस लगा दिया, तो ये कुछ नहीं है, ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं लगाई जाती। अगर किसी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगी है तो ये समझ लेना उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, आ। किसकी दोस्ती है, आ। अगर मैंने केवल ये लिख दिया, क्या ये है? आ। तो इसके साथ दोस्ती किसकी है? आ। आ। है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा साहब, अगर हम इसका विग्रह करते हैं, विग्रह यानी कि तोड़ना, अलग अलग करना, सबका हमने विग्रह किया, तो यहाँ पर सबका क्या विग्रह होगा भाई? सा आ, बा, आ। और ये जो नीचे है ये लगा हुआ, ये क्या है? हलन, हलन, इसे बोलते हैं हलन, ठीक है। जब तक ये लगा रहेगा तो ये समझ लेना ये स्वर आधा है। कितना है? आधा, पूरा नहीं है। अगर मैंने इसको हटा दिया नीचे से तो सब स्वर के वो व्यंजन क्या हो गया? पूरा हो गया। इसके साथ दोस्ती किसकी हो गई? हाँ, थोड़ा तेज बोलो, तुम्हें तो पता लगेगा। बस आप लाइन करते रहो, ठीक है। तो सा, सा ये आधा है, प्लस अ प्लस व आधा, फिर अ सब। अब देखिए, अब है यहाँ पर आ, आ। बस भाई, इसकी मात्रा होती है सीधी, ठीक है, खड़ी खड़ी, एक घंटा खड़ा कर दिया अपने वहां पे, ठीक है भाई। जैसे लिखा मामा, मामा जी में अगर हम मामा जी शब्द का विग्रह कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आता है? मा धन
विग्रह किया जाता है। अब जब सबसे शुरुआत में अगर पढ़ते हैं तो शब्दों को हम तोड़ना बोलते, भाई तोड़ो इसको, विग्रह करो, तो ऐसे विग्रह किया जाता है। ठीक है, ये हलन का ध्यान रखना, जब तक इस पे आ न मिले तब तक ये पूरा व्यंजन नहीं होता। इसके बाद है की छोटी की, की कौन सी मात्रा है, जैसे गिरी गो धन, इसमें कौन सी मात्रा है की, तो ई, ये लो फिर गिरी गिरी। ऐसे ही बड़ी की मात्रा में ऐसा है, ठीक है, जीमी जीमी धन ई धन धन ई जीमी, ऐसे ही दी मात्रा में है उरु। तो बात समझ में आ गई होगी अभी तक तो? यस सर। सारी बात समझ में आ गई? यस सर। जैसे छोटी ये उ है, फिर ऊ फिर री, ठीक है, री से ऋषि, इसकी मात्रा ये होती है, ध्यान रखना, समझ गए? यस सर। जब री की मात्रा जैसे क्रिश क्रिश निकाल तो इसकी होती है, ठीक है, और इसका विग्रह करेंगे तो क आधा का हलंत वाला प्लस री ऋषि री, उसके बाद प्लस स प्लस आ। तो कोई भी व्यंजन पूरा तब तक नहीं होता जब तक उसमें जब सर उसकी दोस्ती से नहीं होती, अगर स्वर से ना हो जाए, ठीक है, करना जरूरी है। शिकायत कम किया करो, पहली बात है ना, अगर दोस्ती रहेगी तो शिकायत नहीं आएंगी। ऑडिटर क्या शिकायत करेगा भाई, बाकी जब भी आओ इस क्लास की तरफ तभी एक शिकायत आ जाती है, अभी भी खड़ा है वो, है ना। तो अगर दोस्ती आपस में मजबूत रहेगी तो भैया ये दिन देखेंगे, नहीं मिलेंगे कौन से आधे आधे हलंत हलंत पूछ तरसा के बैठे हुए। यस सर। ठीक है, यस सर। अगर पूरी होगी तो फिर ऐसे दिख जाओगे, ऐसे दिखोगे एक पूरे शब्द में। अगर दोस्ती नहीं करोगे तो सर कोई सहारा नहीं देगा, अरे फिर यूं ही लड़ते रहोगे। यस सर। हां, समझ में आ गई बात? यस सर। समझ गए ना सभी? यस सर। चलिए फिर इसको फटाफट नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो वीडियो में देखेंगे वो क्या करेंगे भाई, ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज बढ़ाएं जी। ठीक है, फिर जय हिंद जय भारत।